हेलो राधे राधे, नमस्कार। आप लोग देख रहे होंगे मेरे नए वीडियो में, आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गेहूँ पक गया है, काटने का सीज़न आ चुका है। आए हैं हम खेत में पानी चलाने के लिए। और आप लोगों को पता होगा कि जब मौसम का भी कितना विचित्र है, नेचुरल जो नेचर रिसोर्स है वो भी कितना विचित्र है। जब पानी पड़ने का टाइम था, गेहूँ में सिंचाई होने वाला था, तो पानी पड़ा नहीं। अभी गेहूँ काटने के टाइम में पानी पड़ रहा है, कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है, कितना ज़्यादा दुखदायी होने वाला है। क्यों गेहूँ टाइम पे कट नहीं पाएगा, सड़ जाएगा। हमारे खाने का जो बंदोबस्त है वो सब, हम सभी को कितना प्रॉब्लम। दोस्तों हम लोग फीता पसार रहे हैं, देख रहे हैं हमारे अंकल फीता पसार रहे हैं और खेत में वो दिन है जिसकी वजह से अच्छे से जो बजरा हम लोग खेत में बोए थे भैंसियों और गायों के चारा खाने के लिए, उसके बाद वो अच्छे से जम नहीं रहे थे। टाइम पे अगर जो पानी पड़ा होता तो अच्छे से बजरा चाहे और कोई भी फसल हो मतलब अच्छे से जामा होता अथवा उमरा होता। और अगर जो नहीं जामा तो अभी इस टाइम पे पानी पड़ रहा है तो देख सकते हैं कितना खेत में उदी कम है और अच्छे से जाम नहीं रहा। अगर जो अभी बारिश हो गया तो समझ लीजिए गेहूँ काटने का बड़ा दिक्कत हो जाएगा और आदमी लोग के खाना जो बनेगा गेहूँ वो बहुत नुकसान होने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हो कि पानी टाइम पे पड़ने से क्या होता है, पानी ना टाइम से पड़ने से क्या होता है और कितना प्रॉब्लम आ सकता है हमारे हमारे वातावरण में और हमारे फसलों में। आप देख सकते हैं गेहूँ कितना पक के रेडी हो चुका है, अब काटने का टाइम आ चुका है। अभी पानी पड़ने का मौसम, सुबह में पानी पड़ने का व्यवस्था हो रहा था पके, फिर पश्चिम से हवा चला तो अभी नहीं हुआ, फिर पूर्व से हवा चला है उसके वजह से फिर बादल होने लगा है। आप देख सकते हैं मौसम कितना गंभीर होते जा रहा है और हम लोग पानी चला रहे हैं। सुबह से 10 बज गया है, सुबह 6 बजे से हम लोग भिड़े हैं, 10 बज गए। आप लोग जान देख सकते हैं किसान लोग की कितना मेहनत पड़ता है और कितना परेशानी है। जो व्यापारी उनको क्या मालूम कि खेती किसानी कैसे करने हैं, किस मौसम में क्या होता है। अब भोजपुरी में कहावत है, जे किसानी करी वह ने तो दुख मालूम होए, जे खेती ये नहीं करी और ओके न खेती करे ब न बदेरे के राही ताके बा, तो एगो भोजपुरी में एगो कहावत ये कहले हैं। तो इसी तरीके से देख सकते हैं जो किसानी करेगा उसी सुख को तो मालूम होगा कि खेती किसानी में कितना प्रॉब्लम है, कितना परेशानी होता है, मौसम के हिसाब से काम करना पड़ता है नहीं। और जो व्यापारी हैं उनको क्या मालूम कि खेती किसानी करना नहीं है, उनको तो बस कोई भी सामान लेके आओ, तुम्हारा सामान का धान गेहूं का इतना रेट लगेगा, देना है तो दो नहीं तो जाओ। पर हमारे किसान भाई लोग के लिए कितना दुखदायी बात है कि अपने सामान का ही रेट अपने हिसाब से नहीं लगा पाते हैं, वहीं और सामान के मुकाबले में धान गेहूं चावल का रेट कितना कम है, धान गेहूं चावल का रेट कितना कम है और कितना प्रॉब्लम होता है। वहीं अगर जो और प्रोडक्ट का बात करें तो वो जितना महंगा में बिकता है, अगर जो मान ले पेस्ट जो 20 ग्राम का पेस्ट होता है वो 20 कम से कम 20 रुपये में 50 रुपये मिलता है। यहीं एक किलो चावल का दाम जमा 50 रुपये है, धान का दाम जमा 30 रुपये 35 रुपये किलो। तो आप लोग समझ सकते हो कि किसान लोग का कितना परेशानी है, किसानी करने में कितना दुख और परेशानी उठाना पड़ता है। आप लोग अगर जो आप किसान के बेटे हो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। व्यापारी लोग क्या जानेंगे किसी के दिल का दुख और दर्द, बस वो जानेंगे हाँ कितना नफा आया, कितना मुनाफा हुआ, कैसे घाटा नहीं लगना चाहिए हमारे व्यापार में। पर हमारे किसान भाई लोग ऐसे हैं कि जिनको नफा मुनाफा हो चाहे घाटा हो, चाहे धान होए फसल होए या ना होए, फिर भी किसानी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, उनके बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, और उनके बाल बच्चे कैसे पढ़ने लिखने के बावजूद भी नहीं पढ़ते तो सब कुछ होने के बाद भी उनका धान टाइम पे बिक नहीं पाता है। उनका धान का रेट का या तो फसल का रेट का जो है धान गेहूँ का रेट का उनका मूल्यांकन अच्छा से ना होने पर कितना किसान लोग सुसाइड कर रहा है। आप लोग अच्छे तरीके से हमारे किसान भाई लोग की ज़िंदगी कितना दुखदाई है मैं अपने मुख से कैसे व्यक्त करूं और कैसे अपने, मेरे तो शब्द ही नहीं मिला है मेरे मुंह से निकलने के लिए कि किस तरह से व्यक्त करूं किसान भाई लोग के दुख और दर्द को। तो
आज मैं इतना ही कहूँगा किसान भाई लोग के बारे में, व्यापारी लोग के बारे में तो कहना ही बेकार है, क्योंकि वो लोग तो ऐसे ही जो देखा जाए तो किसान के बारे में जितना भी बोला जाए, जितना भी उनका दुख व्यक्त किया जाए, उतना कम है। किसान के, किसान का बेटा ही मालूम होगा, किसान के बेटे को ही मालूम होगा कि दुख और दर्द कैसा होता है। जो व्यापारी के बेटे हैं उनको क्या मालूम कि दुख और दर्द कैसा होता है, क्या परेशानी है पैसे का, क्या किस तरीके से करना है, कितना सोचना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, घाम हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो रहा हो, उसमें सभी में काम करना पड़े। एक किसान को बेटे को ही ये मालूम होगा। एक व्यापारी और शहर में बैठने वाले लोगों को क्या मालूम, वो तो बोलेंगे तुम्हारा सामान अच्छा नहीं है, इतना तुम्हारा फसल, तुम्हारा धान चावल गेहूँ अच्छा नहीं है, इतना ही रेट लगाऊँ। पर एक किसान जब मेहनत करके फसल उगाता है और उसका जो मूल्यांकन का दाम होना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसे कितना दुख होता होगा। वो तो आप लोग अगर जो किसान भाई लोग देख रहे हो तो उसी से आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि किसानी में कितना प्रॉब्लम है, और कितना जब मूल्यांकन का हिसाब से जो मूल्य नहीं मिलता है तो कितना प्रॉब्लम होता है और कितना दर्द दुख होता है। इसी वजह से कितना किसान भाई लोग अगर जो कर्जा लिए होते हैं और कर्जा फसल देखकर कर्जा नहीं चुका पाते हैं और फसल नहीं होता है तो कितना भाई लोग को सुसाइड भी करना पड़ता है। इससे ज़्यादा का कहूँ आप लोगों को। अब चलता हूँ अपने गांव के भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं मैं आगे ही बोला था कि फसल काटने का टाइम आ गया है और बारिश होने की संभावना हो रही है। तो देख सकते हैं इधर फसल कट रहा है, इधर सब उधर सब ट्रैक्टर सब चल रहा है, इधर सब फसल कटा हुआ है, उधर भूसा बन रहा है, पर यहाँ पर ये देखिए कितना जबर बादल लगा हुआ है। तो इसीलिए कुदरत का कहर यही है कि जब बारिश टाइम था बारिश होने का तो बारिश नहीं हुआ, जब टाइम था घाम होने का टाइम है तो अभी बारिश हो रहा है। तो कुदरत का कहर किसानों पे कितना ज़्यादा गिरा है, इसी वजह से किसान सब हर वक्त परेशान रहते हैं और हर वक्त अपने किसानी के लिए कि आदमी लोग टेंशन में रहता है और अपना फसल कैसे जोगाएँ, कैसे अच्छे से बचाएँ, इसी बात में हमेशा डरा रहता है। और नेचर का भी यही प्रवृत्ति है कि हमारा किसान भाई लोग को हर तरह से मुसीबत किसानों को ही डालता है, हर तरह से परेशानी किसानों को ही डालता है। कुदरत का यही नियम है भाई, हम लोग क्या करेंगे। किसान के बेटा बेटी होने की वजह से आज हम लोगों को इतना दुख भोगना पड़ता है, हर काम कितना टाइम पे ना करे तो परेशानी, टाइम पे कर दे तो परेशानी, बारिश ना हो तो हर वक्त से आषाढ़ सावन के वक्त में बारिश नहीं होता है। अभी बैसाख के मौसम में देख सकते हो तो बारिश होता है, क्योंकि बारिश होने का सीज़न नहीं, ये सीज़न किसानी करने का टाइम है। आषाढ़ के टाइम में बारिश होगा, टाइम पे तो खेती पाती कर पाएंगे, तो उस टाइम पे खेती पाती हो नहीं पाता है, बारिश होता ही नहीं है, और बोरिंग और पंप सेट चला के पानी चला के हम लोग खेती किसानी करते हैं। अभी गेहूँ काटने का सीज़न है, गेहूँ को काट के रखने का सीज़न है, तो बारिश हो रहा है। यही है कुदरत का करिश्मा भाई, क्या कहें हम किसान भाई लोगों की कितना परेशानी है। और हाँ भाई, मेरे बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, गांव घिनावा गांव से स्थित हूँ। और प्लीज़ ये वीडियो को पूरा आप लोग देखना, क्योंकि आप लोग पूरा नहीं देखोगे तब तक आप लोग को मालूम ही नहीं पड़ेगा किसानी का दुख और दर्द कैसा होता है, किस किस तरीके से, किस हद से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, और मालूम नहीं होगा तब तक कैसे आप लोग अच्छे से काम करोगे और अच्छे से मूल्य अपने जो धान गेहूँ चावल का मूल्यांकन का जो मूल्य है उसके हक अधिकार के लिए कैसे आप लोग लड़ोगे। तो आप लोग प्लीज़ भाई लोग ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लौका था ना, अब यही पर अपन वॉइस ओवर कह के बोल के डर दे बारिश हो रहा है। बारिश आप लोग ऐसे आप लोग देख सकते हो कि कितना बारिश हो रहा है, यही है कुदरत का कहर। वक्त पे बारिश नहीं होता, जब बेमौसमी बारिश होता है, जब किसान का फसल काटने का टाइम होता है तब बारिश होता है, जब किसान का खेती करने का टाइम होता है तो बारिश ही नहीं होता है। ये कुदरत का कहर नहीं तो और क्या है।